हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी में। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये उसका वीडियो नंबर 18 है। इससे पहले भी हम वीडियो नंबर 17 तक अपलोड कर दिया है हमने, जिसमें हमने एक से लेके अभी तक क्वेश्चन नंबर 245 तक इतने क्वेश्चन जो है अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर अभी तक आपने उन पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार जरूर जाके देखें। ये सारे वीडियोस जो है, सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम को ध्यान में रखकर मैंने तैयार किया है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। ये ऐसे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी को आना चाहिए, चाहे वो बिगिनर्स हों या फिर आप सभी पहले से तैयारी करते आ रहे हों। अगर ये 500 प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप ये समझ के रखिए कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। इसलिए ये सारे जितने भी वीडियोस हैं उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा, और जब एग्जाम पास आ जाए ना तो इसको क्या कीजिएगा, दुगना स्पीड से फटाफट एक बार देख के रिवाइज करके चले जाएंगे एग्जाम में ना, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल में अगर पहली बार आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और जैसे ही ये 500 क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूँगा, उसके बाद मैं 500 क्वेश्चन का PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। इसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम पे चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 246 से आज शुरू करेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला और इस सीरीज का 246 नंबर का प्रश्न है कि मिनी माता परियोजना के बारे में असत्य कथन क्या है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मिनी माता परियोजना जो है इसके बारे में क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना हसदेव नदी पर कोरबा जिले में स्थित है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे ऊँचा बांध है, जिसकी ऊँचाई 87 मीटर है, या फिर इसकी स्थापना 1967 में हुई, जो कि अंतिम रूप से 2011 में संपन्न हुई। इसमें से कौन सा कथन जो है मिनी माता परियोजना के बारे में असत्य है, आप सभी को बताना है। वीडियो को पॉज करिए और टेस्ट की तरह भी आप ये सारे क्वेश्चंस को दे सकते हैं, और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये कथन जो है असत्य है, ठीक है। ये प्रदेश का पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, आपको याद रखना है, और ये हसदेव नदी के ऊपर कोरबा जिले में कटघोरा के पास स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध ना होके ये पहला है, ठीक है। ये कैसा, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला, या फिर कह लीजिए कि सबसे ऊंचा बांध है, दूसरे नंबर के नहीं पहले नंबर पे, और इसकी ऊंचाई 87 मीटर है, ये कथन सही है, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाँ। और जो ये मिनी माता परियोजना है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जो कि कंप्लीट कब हुआ, 2011 के अंदर हुआ था। ये जो परियोजना है मिनी माता परियोजना, हम इसको हसदो बांगो सिंचाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस नाम से जानते हैं, हसदो बांगो सिंचाई परियोजना के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो छत्तीसगढ़ की प्रथम या फिर पहली महिला सांसद कौन थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, उनका नाम था मिनी माता, ठीक है। पहली महिला सांसद कौन थी, मिनी माता थी, और उन्हीं के नाम पे इस परियोजना को हम मिनी माता परियोजना के नाम से भी जानते हैं। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला पनबिजली संयंत्र यहीं पे स्थापित हुआ था, ठीक है। प्रदेश का मतलब छत्तीसगढ़ का पहला पनबिजली, मतलब पानी से विद्युत उत्पादन वाला जो संयंत्र होता है ना, वो यहीं पे स्थापित हुआ था। पनबिजली संयंत्र का स्थापना कहाँ पे हुआ था, इस मिनी माता परियोजना के ऊपर ही हुआ था। और याद रखिएगा, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी यही है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी इस मिनी माता परियोजना के ऊपर ही है। तो ये सारा जितना भी मैंने फैक्ट बताए, ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद होने चाहिए हूबहू, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन एक पूछता हूँ, कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये जो मिनी माता परियोजना है, इससे कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से जो जिले हैं लाभान्वित होते हैं, लाभान्वित जिलों का नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 247 यहां पर यह है
कि निम्न में से किस स्थान पर कोयला का संचित भंडार स्थित है। ठीक है, देखिए ये खनिज वाले पोर्शन से भी भरसक बहुत सारे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको स्थान का नाम दे देता है और पूछ लेता है ये खनिज जो है कहाँ पे पाया जाता है या फिर कोयला कहाँ पे पाया जाता है, ऐसा पूछे जाते हैं। तो आप जो सीजी ज्योग्राफी का, ठीक है, सीजी ज्योग्राफी का जो मैप होता है उसमें उन सभी को, सभी स्थानों को बहुत अच्छे से ध्यान से उसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर कई बार से मेंस में भी अगर पूछ देगा तो मैप के अकॉर्डिंग अगर आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर जो है प्रभावित साबित होगा। ठीक है, तो बताइए कि निम्न में से किस स्थान पर कोयला का संचित भंडार है, नंदिनी खुंदनी में, अर्जुनी में, या अर्जुन नहीं, ये अर्जुनी होगा, ठीक, अर्जुनी में, विश्रामपुर में, या फिर बस्तर में, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विश्रामपुर में। ठीक है, बाकी नंदनी खुंदनी, अर्जुनी और बस्तर में नहीं, विश्रामपुर। विश्रामपुर आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिले के अंदर ही स्थित है। और हमारा जो ACCL है ना, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ACCL, इसका उप मुख्यालय भी, ठीक है, इसका उप हेडक्वार्टर या फिर उप मुख्यालय भी विश्रामपुर के अंदर ही आपको याद रखना है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ACCL की स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ACCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, उप हेडक्वार्टर, उप मुख्यालय तो मैंने बता दिया कि विश्रामपुर के अंदर है, हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्थान जान लीजिएगा, जैसे कोरबा, कोरबा के जिला के अंदर भी कई सारे स्थान है जहाँ से कोयला जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जैसे कोरबा के अंदर जाएंगे तो आपने गेवरा माइंस का सुना होगा नाम, गेवरा हो गया, दीपिका हो गया, कुसमुंडा हो गया, ये सारे जो है कोल माइंस है। ठीक है, कहाँ, कोरबा के अंदर। इसके बाद रायगढ़ भी, सबसे अधिक रायगढ़ के अंदर ही कोयला का खनन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, रायगढ़, रायगढ़ का जो मांड घाटी क्षेत्र है उसमें भी बहुत तायत मात्रा में कोयला पाया जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा जामपाली, गारे पालमा, ये सभी के सभी जो स्थान है रायगढ़ में, यहाँ से भी कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। कोरिया के अंदर अगर जाएंगे, कोरिया जिले के अंदर तो सुहागपुर और चिरमिरी, ठीक है, कोरिया में जाएंगे तो सुहागपुर और चिरमिरी, इन क्षेत्रों में बहुत अधिक कोयला प्राप्त होता है। इसी तरह बलरामपुर के अंदर भी जाएंगे तो बलरामपुर में राम कोला, ताता पानी जो क्षेत्र है वहाँ से मिलता है। सरगुजा के अंदर जाएंगे तो झिलमिली, ठीक है, सरगुजा में अगर जाएंगे तो जो झिलमिली है, झिलमिली ये सरगुजा जिले के अंदर है, यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में कोयला जो है पाए जाते हैं। यहाँ पे जो विश्रामपुर के अंदर जो कोयला प्राप्त होता है ना, यहाँ पे ये सबसे उत्तम क्वालिटी का पाया जाता है। ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो विश्रामपुर के क्षेत्र से जो कोयला मिलता है वो प्राप्त होता है उत्तम क्वालिटी का। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 248 की ओर। 248 का प्रश्न यहाँ पे है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं से संबंधित भी प्रश्न जो है अच्छे से पूछे जाते हैं, और जो कुछ अपडेट भी अगर आए यहाँ पे, ठीक है, शैल चित्रों से संबंधित जो कुछ अपडेट हो या फिर पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ नई खोज की गई है, तो इन सभी को आप अपडेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आइए, प्रश्न बताइए कि निम्न में से कौन सी गुफा जो है, कौन सा केव जो है पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कुटुमसर की गुफा, सिंगनपुर की गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, या फिर कैलाश गुफा, बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर आप सभी को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगनपुर की गुफा। ठीक है, ये सिंगनपुर की गुफा मिलेगा कहाँ, छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंदर, तो ये जो है आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जो सिंगनपुर की गुफा है ये पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो है मांड घाटी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो मांड घाटी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपको ये गुफा जो है देखने को मिलेगा। मांड घाटी क्षेत्र में एक आपने एक सुना होगा चंवर ढाल, ठीक है, ये चंवर ढाल जो है इसी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलता है। ये जो सिंगनपुर की गुफा है इसकी खोज किसने किया था, कई बार से ये भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा सी डब्ल्यू एंडरसन ने इस गुफा की खोज की थी। कब की थी, तो 1910 के अंदर इस गुफा की खोज किया गया था उनके अंदर। सिंगनपुर की जो पहाड़ है इसके ऊपर कुल 3 गुफाएं हैं, और यहाँ से जो शैल चित्र मिलते हैं ना, यहाँ से जो शैल चित्र मिलते हैं उसका रंग क्या होता है, ये भी कई बार से पूछा जाता है। तो शैल चित्रों का जो रंग है
वो लाल होता है, रेड कलर का होता है। और यहाँ पे 23 चलचित्र जो है अस्तित्व में अभी हैं, कुछ जो है विलुप्त हो गया, खत्म होने की कगार पे भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 249 की ओर। 249 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि महाकौशल कला वीथिका कहाँ स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि जो महाकौशल कला वीथिका है कहाँ स्थापित है। जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर में है क्या, या फिर जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में है, या फिर राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में है, या फिर ABC तीनों स्थलों पर महाकौशल कला वीथिका का निर्माण किया गया है। आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के अंदर है, यहीं पर महाकौशल कला वीथिका का निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बात तो ये रखिए, याद रखिए कि महंत घासीदास स्मारक जो संग्रहालय है ये कब स्थापना किया गया था, तो इसका स्थापना सन 1875 में ही किया गया था। ठीक है, सन 1875 में इसका स्थापना किया गया था। लेकिन अगर ये पूछ ले कि इसका लोकार्पण कब किया गया था, इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में किया गया था, किसके द्वारा, तो पूर्व राष्ट्रपति, जो भारत के उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही इसका लोकार्पण या फिर उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये छत्तीसगढ़ महंत घासीदास संग्रहालय, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय भी है, छत्तीसगढ़ का प्रथम संग्रहालय भी यही है, आप सभी को याद रखना चाहिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम म्यूजियम कह लीजिए या संग्रहालय। इसका जो स्थापना कौन किया गया था, किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसका स्थापना किया गया था, राजनंद गांव के राजा थे। ठीक है, राजनंद गांव के राजा थे जिनका नाम था महंत घासीदास, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। ठीक है, राजा का नाम क्या है, महंत घासीदास, उन्होंने ही इसका स्थापना किया गया था और यहीं पर महाकौशल कला वीथिका को स्थापित किया गया था। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में ऐतिहासिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से जो भी सामग्री है उसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये कला वीथिका जो है ना, मेहराबदार पत्थरों से बना हुआ अष्टकोणीय भवन है, ये भी आपको याद रखना है। रायपुर का जो घड़ी चौक है ना, ये कहाँ पे है वो भी मैं बता देता हूँ। रायपुर अगर आप जाएंगे तो रायपुर का जो घड़ी चौक है वहीं पास में ही ये स्थित है। ठीक है, रायपुर के घड़ी चौक के पास ये स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी आपको महाकौशल कला वीथिका के बारे में याद रखना है, महंत घासीदास स्मारक जो संग्रहालय है उसके बारे में भी याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 250 नंबर का प्रश्न। 250 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है, इजी भी है, आप सभी मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर जानते होंगे, बट मेरा काम है क्वेश्चंस को समझाना, कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग करना ताकि आपका रिवीजन करा सकूं। ठीक है, बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा। चलिए बताइए, ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है, राजिम को, चंपारण को, सीरपुर को, या फिर शिवरी नारायण को। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो राजिम है। ठीक है, राजिम जो है गरियाबंद जिले के अंदर मिलेगा, इसी को छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो राजिम है, ठीक है, ये तीन नदियों के संगम पर स्थित है। राजिम जो है तीन नदियों के संगम पर स्थित है, उनका नाम भी कई बार से पूछ लेता है, उन नदियों का नाम याद रखिएगा। पहली नदी है महानदी, ठीक है, महानदी, दूसरी नदी है पैरी नदी, और तीसरी जो है सोंढूर नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों के संगम पर ही ये राजिम जो है स्थित है, आप सभी को याद रखना चाहिए। और राजिम में ना, याद रखिएगा, राजिम में एक राजीव लोचन मंदिर भी है। ठीक है, राजिम के अंदर ही एक राजीव लोचन मंदिर भी है। ठीक है, ये राजीव लोचन मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, मतलब इसका जो गर्भगृह है उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा लगा हुआ है। ये जो राजिम है ना, राजिम, इसका प्राचीन नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राजिम का प्राचीन नाम क्या था आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये आपको पता है कि जो राजीव लोचन मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। ठीक है, जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था ये भी कमेंट करके बताइएगा, और मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में सबको करा चुका हूं इसलिए मैं बार बार यहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251 की ओर। 251 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है। यह भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है जिसके बारे में आप सभी को
पता होना चाहिए, ठीक है। कुटुमसर गुफा जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सरगुजा में, जसपुर में, बस्तर में या फिर दंतेवाड़ा के अंदर, कहाँ स्थित है? ठीक है, कुटुमसर की जो गुफा है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए पहले। इसकी खोज 1951 में किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर शंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर शंकर तिवारी जी के द्वारा इस गुफा की खोज की गई थी 1951 में। ये जो गुफा है इसकी जो लंबाई है 1500 मीटर है, ठीक है, ये लेंथ इसकी हो जाएगा। और गहराई अगर पूछ ले इसका डेप्थ कितना है, गहराई कितना है, तो 72 मीटर जो है इसकी गहराई है, ठीक है, याद रखना है। और ये पहली ऐसी गुफा है ना जो पिलर की आकृति में है। और ये जो है जो छत्तीसगढ़ का हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, ठीक है, कांगेर घाटी या कांगेर वैली कह लीजिए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है उसी के अंदर ये कुटुमसर गुफा जो है स्थित है। आप सभी को पता हो क्या होगा कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क है कहाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस्तर के अंदर ही कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और उसी के अंदर आपको कुटुमसर गुफा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो गुफा है कुटुमसर गुफा जो है ना, ये चूना पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चूना पत्थरों से ये गुफा जो है बनी हुई है। और जो ये गुफा है ना, गुफा की जो ऊपरी वाला जो दीवार है, ठीक है, गुफा की जो ऊपर की दीवार है वो स्टेलेलाइट से बना हुआ है, ठीक है। मैं एरो बना दिया हूं तो समझ जाएगा मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। ऊपर का जो दीवार है वो स्टेलेलाइट से बना हुआ है, स्टेलेलाइट प्रकार के जो चूना पत्थर होता है उससे बना हुआ है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्टेलेगमाइट से बना हुआ है, स्टेलेगमाइट, ऊपर वाला लाइट है, नीचे वाला माइट है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मछलियाँ, यहाँ पे ना ये जो कुटुमसर की गुफा है ना, यहाँ पे कानी मछली पाई जाती है, ठीक है, कानी मछली पाई जाती है। और इस मछली को, क्योंकि इस गुफा की खोज किसने किया था? प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था, इसलिए यहाँ पे जो मछली पाई जाती है उनको ओला शंकराई, शंकराई नाम से भी इनको जाना जाता है, इन्हीं के नाम पे उसको रख दिया गया। और जो ये गुफा है ना कुटुमसर की गुफा, उसी के पास में तीरथगढ़ जलप्रपात भी है, ठीक है, इसके पास में ही तीरथगढ़ जलप्रपात आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुटुमसर गुफा से संबंधित है जो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अब 252 नंबर के प्रश्न, 252 नंबर का प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि निम्न कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करिए। पहले यहाँ पे तीन कथन दिया है, तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बाद चारों विकल्प में से जो सही होगा, जो उचित होगा, उसको हम टिक करेंगे। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर तीन जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया और उसी वर्ष मतलब 1905 में ही एक नया जिला दुर्ग जो है रायपुर जिले से काटकर बनाया गया। अब इसमें कौन कौन से कथन सही है आप सभी को बताना है। देखिए पहली बात तो जो छत्तीसगढ़ संभाग है, यहाँ पे कुछ जानकारी आप सभी को मैं पहले बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ संभाग बन गया 1862 में, ठीक है, 1862 में संभाग बना था और इस संभाग के अंदर तीन जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, अर्थात पहला कथन जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 1905 में संबलपुर जिला जो है बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। आप सभी को पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, 1905 के अंदर ही बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया। और वहीं पे जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात हुआ क्या कि बंगाल प्रांत एवं मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया। और उसी समय जो संबलपुर है वो जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन में, क्योंकि उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़ और संबलपुर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आ रहा था, तो 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो संबलपुर छत्तीसगढ़ से कट गया और कहाँ, उड़ीसा चला गया, ठीक है, मतलब बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया ये भी, क्योंकि उड़ीसा उस समय बंगाल का क्षेत्र था, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि ऑप्शन नंबर एक और दो बिल्कुल सही है। तीसरा जो है कथन कि उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग बनकर तैयार हुआ, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो दुर्ग जिला है, ठीक है, दुर्ग जिला का स्थापना रायपुर से तो हुआ है लेकिन कब, 1906 में हुआ है, ना कि 1905, ठीक है। मतलब यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो कथन एक और दो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैंने कहा कि जो संबलपुर है वो कहाँ चला गया, बंगाल प्रांत के उड़ीसा में जाके शामिल हो गया, लेकिन बंगाल के कुछ भाग जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आके शामिल हो गए, जो छोटा नागपुर के अंतर्गत जो 5 रियासत थे, ठीक है, बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र के जो 5 रियासत थे वो छत्तीसगढ़ में आके शामिल हो गए। वो 5 रियासत कौन कौन से थे अभी आप जान लीजिए उसको। पहला तो हो गया हमारा जशपुर,
ठीक है, पहला हो गया जसपुर, दूसरे पे आ गया हमारा सरगुजा, ठीक है जसपुर सरगुजा, तीसरे पे आ जाएगा हमारा कोरिया, ठीक है जसपुर सरगुजा कोरिया, चौथे नंबर पे आ जाएगा उदयपुर, उदयपुर और पांचवा चांगभखार, चांगभखार। ये पांच क्षेत्र जो है बंगाल प्रांत से हमारे छत्तीसगढ़ में 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शामिल हो गए थे। तो ये पूरा जानकारी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बढ़ जाते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यह आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में करेंट से संबंधित है, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पे जो भी मैं डाटा बताऊंगा, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की, वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज डेट है 3/11/2024, 3 नवंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस समय जो कुछ भी यहां पे अपॉइंटमेंट से शामिल थे, जो कुछ भी यहां पे सदस्य के रूप में थे या फिर न्यायाधीश थे, ये सब थे, मैं उस समय के डाटा बता रहा हूं। अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस का ऑप्शन पढ़ते हैं। असत्य कथन हमको पहचान करना है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा है। दूसरा कथन है, विकल्प है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन है। तीसरा विकल्प है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चौथा विकल्प है, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CGSCRDC भी कहते हैं, के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया हैं। अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है गलत, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा सही आंसर नहीं, श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब नहीं, उससे पहले। तो ये अभी चेंज हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, प्रेजेंट गवर्नर कौन है, मैं यहाँ पे आप सभी को बताता हूँ, इसको आप अपडेट करके रख लीजिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रामेन डेक्का, ठीक है याद रखना है रामेन डेक्का, ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। बाकी ABD में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। 254 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का स्थापना का सही क्रम क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार भी जमाने को क्वेश्चन दे देता है। तो इसके बारे में पहले आपको इसका पता तो होना चाहिए कि ये कब हुआ था इनका स्थापना, तब तो आप सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना 1964 के अंदर हुआ था, ठीक है 1964 में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना 1983 के अंदर हुआ था। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना 1956 में हुआ था। और चौथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर के अंदर है, इसका स्थापना 1987 में हुआ था। अब इन सबको आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं कालक्रम के अनुसार, स्थापना के क्रम में। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय हुआ था, मतलब तीसरा वाला जो हमारा पहले होगा, ठीक है। देखिए तीसरा पहले कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे डेट वाइज क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है, इसके वर्तमान में कुलपति कौन है, ठीक है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। 255 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का स्थापना या उद्घाटन कब हुआ था। 26 जनवरी 2005 को, 15 अगस्त 2001 को, 2 अक्टूबर 2008 को या फिर 1 दिसंबर 2010 को, कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए ये इसका स्थापना जो हुआ था 26 जनवरी 2005 को हुआ था, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। कब हुआ था, 26 जनवरी 2005 को। उस समय CM कौन थे भाई छत्तीसगढ़ के, उस समय मुख्यमंत्री कौन रहे होंगे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही ई पंचायत प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था 26 जनवरी 2005 को। इसके तहत जो उस समय प्रदेश के जो 16 जिले थे, उस समय प्रदेश के जो 16 डिस्ट्रिक्ट थे, 16 जिले थे, तथा
मतलब 16 जिला पंचायत कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला पंचायत, 16 जिला पंचायतों के अंदर प्लस प्लस 146 जनपद पंचायत, उस समय 146 जनपद पंचायत जो थे उन सभी में ये ई पंचायत प्रोजेक्ट को चलाया गया था, ठीक है। 16 डिस्ट्रिक्ट में और 146 जनपद पंचायत में चलाया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो है पंचायत निदेशालय तथा NIC और NICS द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। किसके किसके द्वारा भाई, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, पंचायत निदेशालय, पंचायत निदेशालय ये पहला हो गया, प्लस NIC और तीसरा याद रखना है NICS, ये तीनों का संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट को चलाया गया था, याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए पंचायत से संबंधित ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन कहां, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, हम एक नया सीरीज भी चला रहे हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से संबंधित, ठीक है। इसके भी दो वीडियोस अभी आ चुके हैं, MCQ के माध्यम से ही मैं आप सभी को प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर इस वीडियो को देख के जाएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज वाला, क्योंकि आपको जल्द ही आपको ADEO का भी फॉर्म देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी यहां से पूछे जाते हैं, CMO का जब फॉर्म आएगा तो उसमें भी पूछे जाते हैं, और CGPSC प्रीलिम्स के अंदर तो 4-5 क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित, ठीक है। तो ये पूरा जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं, 255 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने 500 में से कर लिया है, बाकी के कह लीजिए कि आधा और भी 250 बचे हुए हैं, तो इतना अगर 500 कर लेंगे तो आपका तैयारी, आप सोच सकते हैं कि आपका कितना अच्छे से रिविजन हो पाएगा, राइट। तो चलिए इसमें इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।